हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। संडे की मॉर्निंग है, मैं नहा चुकी थी, झाड़ू वगैरह भी लगा चुकी थी और चाय जो है हमारी बन चुकी थी, तो पी रहे हैं। तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ संडे मॉर्निंग टू नाइट रूटीन। और आज पूरा दिन शॉपिंग में जाने वाला है, क्या क्या शॉपिंग करते हैं वो आपको वो भी दिखाएंगे। तो बस यहाँ पे चाय वाय पी, और जैसा कि आपको पता है पहले मेरी पूरी तैयारी हो चुकी थी। छोले मैंने उबाल के रख दिए थे, आलू मैंने उबाल के रख दिए थे और कुछ प्री मिक्स मेरे बने हुए होते हैं, तो नाश्ता भी इन सब चीज़ों से बन जाएगा। तो बस राइस के लिए मैं जो है पानी उबलने रख दूंगी और फिर उसमें डाल दूंगी। तो इन्होंने बोला था छोले और राइस, मैंने वैसे आलू भी उबाल रखे थे कि भाई कोई टिकिया विकिया भी बनानी हुई या आलू के बॉन्डे भी बनाने हुए या कुछ नाश्ते में, तो इन्होंने बोला छोले और चावल खाने, तो फिर मैंने चावल चढ़ा दिए थे। ये मैंने दाल के पकोड़े का प्री मिक्स बनाया था तो वो भी रखा था, तो मैंने कहा चलो फटाफट यहीं पे नाश्ता बना लेते हैं, वरना ये क्या है कि बाहर के नाश्ते में करेंगे कि कचौरी खाओ समोसे। तो मैंने घर पे ही बना लिया था ये दाल के पकोड़े, मैंने कहा चलो इनको बना के खिला देते हैं, क्योंकि चटनी भी रखी थी। तो बस इसमें मैंने हरा धनिया डाला है और बस मिक्स करके 10 मिनट के लिए रख दूंगी। उस 10 मिनट में मेरे छोले बन जाएंगे, क्योंकि छोले के लिए भी टोमेटो प्यूरी जो मैंने बना रखी थी वो तैयार थी। तो ये लीजिए, बस ऑयल को गर्म किया है थोड़ा सा, क्योंकि थोड़े छोले ज़्यादा हैं तो थोड़ा ऑयल मैंने और ले लिया, और प्यूरी डाली है, ये पकी हुई है। तो बस अब इसमें थोड़ा सा मैश करके छोलों को डाल दिया है, तो फटाफट फटाफट हमारे छोले बन जाएंगे। इसमें बस नमक डालना है, गर्म मसाला, और गर्म मसाला डाला हुआ है अमचूर पाउडर मैं डालूंगी, तो वो कलर आ जाएगा अमचूर पाउडर से, वो ब्लैक सा कलर आ जाएगा। तो बस ये छोले साथ साथ में पक रहे थे, साथ साथ में मेरे दाल के पकोड़े भी तैयार हो जाएंगे। और पोहा की भी नमकीन वगैरह बना रखी थी, तो इन्होंने बोला कि ज़्यादा मत बनाना ये पकोड़े, क्योंकि पोहा की नमकीन भी है वो ले लेंगे, और साथ ही फिर इनको बाहर जाते हैं तो ज़रूरी हो जाता है कचौड़ी या समोसे संडे वाले दिन खाना, तो फिर ज़्यादा तो मैं नहीं खाने देती हूँ। तो मैंने इनसे बोल रखा है ज़्यादा नहीं, फिर आधा आधा ही खाना। तो ये देखिए राइस मेरे तैयार हो चुके हैं, तो देखो छोले और चावल बन गए लंच के लिए, और नाश्ता हमारा तैयार हो गया है। तो इस तरीके से मेरा काम फटाफट हो जाता है, प्री मिक्स होता है या पहले की हुई तैयारी बहुत काम आती है, क्योंकि संडे वाले दिन बहुत सारे काम होते हैं, तो फिर ये सब तैयारी काफ़ी काम आती है। तो हम लोग निकल गए हैं रिलायंस का सामान लेने के लिए, फिर आगे मार्केट जाएंगे, इसके कपड़े वपड़े दिलवाएंगे, और हो सका तो होली का सामान। सिट्टी विटी गाने का भी मेरा मन था, लेकिन आज एक दिन में इतना कुछ नामुमकिन है ना। फिर भी देखेंगे, मेरा फाग देखने का भी मन था गोविंद देव जी के मंदिर में, बट हमारे पास टाइम ही नहीं है किसी भी चीज़ के लिए, टाइम नहीं है। मैं इतनी बिजी और ये भी इतने बिजी, इनको खैर छुट्टी नहीं है, मैं तो कैसे भी करके टाइम निकाल लेती हूँ। हाँ तो दिखा दो, मैं फाग भी और सारी शॉपिंग भी करा दो। आ गया रिलायंस करके पास ही है। एक बार रिलायंस से घर आ गई, ये बटर चीज जो है खराब हो जाती है, तो एक बार फ्रिज में रख देते, रिलायंस का सामान घर पे रख देते। अब जा रहे हैं इलो के कपड़े लेने के लिए, क्योंकि 11 बजे तक शॉप सारी खुल जाती है, सेट हो जाती है, इससे पहले कोई भी शॉप नहीं खुलती, श्रीखंड मिल गया है। चलो अब चल के जाती हूँ वापस नीचे, खड़े हैं नीचे, पानी पी लो। बॉटल भी लेके आनी है, नहीं सिलेंडर ना, सिलेंडर बुक करवाया हुआ था, कल करवाया था, आज आ गया संडे को ही, रिलायंस में थे तब आ गया था। फिर मैंने इनको बीच में इनको भेजा, ये लेने आए, मतलब रखवाया इन्होंने सिलेंडर, और अब बस ये काम भी हो गया। चलो चलते हैं। तो इल्लू की शॉपिंग हो गई है और घर चल के दिखाऊंगी, तो इसकी हो गई। अब मेरी भी गर्मियों की बाकी, इनको भी लेना था लेकिन वहाँ इनको पसंद नहीं आया, और मेरा अभी माइंड में था नहीं कि मुझे क्या लेना है क्या नहीं, क्योंकि मैंने अपना नहीं सोचा था कि क्या लूँगी क्या नहीं। तो जिस दिन मैं डिसाइड कर लूँगी ना कि इतना मुझे सूट लेना है, इतना मुझे टॉप लेना है, उस दिन मैं मेरी करूँगी। तो माइंड में मेरे होना चाहिए, तभी मैं अपनी शॉपिंग करती हूँ, अदरवाइज मैं नहीं करती हूँ। तो अभी इनको बड़ी बड़ी सी कचौड़ियाँ दिख गई, तो फिर वो लेने गए एक मैंगो लाना, क्योंकि अपन नाश्ता कर चुके हैं, तो हाफ हाफ खा लेंगे और गन्ने का जूस देख लेंगे। महेश नगर से हमने लिए कचौड़ी खा ली, और ये लून चिप्स लिए, और ये गन्ने का जूस हम एक से ही शेयर करते हैं दादा, क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं बाता।
मुझे ज़्यादा इतना ज़्यादा नहीं भाता, तो आधा आधा कर देना। कचौरी भी आती है सही, अच्छा। हालांकि कचौरी मुझे भाती है लेकिन इसने मैंने लेने नहीं दी भैया इतना ऑयली ऑयली, और जब घर से नाश्ता करके निकलते हैं तो भी इनको खाना जरूरी है बाहर पे, एक बार भी इतना घपक घपक पी जाते हो। कचौरी खाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन रास्ते चलते में दुकान में दूर से दिख गया मोटी मोटी बड़ी बड़ी सी कचौरी, तो इच्छा हो गई। तो बड़े वाले रिलायंस तो गए नहीं थे, तो छोटे वाले घर के पास वाले में ही चले गए थे, तो वो काम भी हो गया था और साथ ही हमारा इलू के कपड़ों का काम भी हो गया था। तो बस फिर टाइम था 12:30 बजे होंगे, तो फिर मैंने बोला कि चलो सिटी भी ले ही चलो, तो होली की भी शॉपिंग कर लेते। इलू को पिचकारी वगैरह दिलानी थी तो कट ले गए थे, वहाँ पर प्राइस भी रीजनेबल मिलता है, चीज़ें भी बहुत सारी वेराइटी भी मिल जाती है। यहाँ पर बीच में खुटेटा की कचौरी आती है आलू वाली, तो वो इलू को खानी थी, काफ़ी दिनों से खानी थी लेकिन हम इतनी दूर आ नहीं पा रहे थे, तो फिर इलू ने खुटेटा की कचौरी ली थी आलू वाली, और आधी आधी इन्होंने और मैंने भी ले ली थी। तो बस फिर कटले पहुंच गए थे, कटले में देखो बहुत सारी हर चीज़ आपको मिल जाएगी जयपुर में, पुरोहित जी का कटला और जो है ना वहाँ पे, तो ये हर चीज़ रीजनेबल प्राइस में मिलती है। हाँ कुछ चीज़ें हैं जो 12:12 ही आपको लेनी होती हैं, तो वो चीज़ें भी हमें कुछ लेनी थी। तो बर्थडे की तैयारी करनी है चाहे किसी भी चीज़ की तैयारी करनी है, तो आपको कंगन वगैरह भी 100-100 रुपये में ही कितनी सारी वैरायटी मिल जाएगी, जो सेट हैं और जो हल्दी दुल्हन के हल्दी वाले सेट और सब कुछ यहाँ पे मिलता है, और प्राइस बहुत रीजनेबल, राखी भी बढ़िया वाली मिलती हैं। तो हर जगह हर चीज़ की शॉपिंग ना मैं यहाँ पे आती हूँ, दिवाली पे भी आती हूँ, तो राखी पे भी आती हूँ, तो होली पे भी आती हूँ, तो चीज़ बहुत अच्छी मिल जाती है, रीजनेबल प्राइस में मिल जाती है। तो बस ऊपर जाके एक कुछ शॉप है जहाँ पे देखो बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, तो वहाँ पे पिचकारी वगैरह भी मिलती हैं, तो इलू के भी लेनी थी, मास्क वगैरह भी मिल जाते हैं, सब कुछ मिल जाते हैं। गिफ्ट आइटम आपको लेना है, बर्थडे की पूरी तैयारी करनी है, तो वहाँ पे मिल जाते हैं, देखो चूड़ियाँ और कितनी सारी हैं। तो कभी जयपुर आओ तो ज़रूर से यहाँ सिटी साइड में ज़रूर घूमना, बहुत अच्छा लगता है। और किसी ने मुझसे पूछा था जयपुर में साड़ियाँ कहाँ अच्छी मिलती हैं, मे भी बहुत साल पहले मुझे किसी ने बताया, तो मैं इतना नहीं जानती कि लालजी सांड के रस्ते में मिलती हैं अच्छी, तो देख लेना। वैसे आजकल हर जगह ही अच्छी साड़ियाँ मिलती हैं, तो मैं तो घर के आसपास से ही लेती हूँ, लालजी सांड के रस्ते से नहीं लेती हूँ। धड़ा मार्केट, और मैं मेरे भाई की शादी में काफ़ी घूमी थी, सिटी से ही मैंने सारी शॉपिंग की थी, यहीं से मैंने महिला संगीत के गिफ्ट लिए थे, वहाँ पे भेजे थे मम्मी के उधर, तो बहुत रीजनेबल प्राइस में मिले थे। तो हमें कुछ शॉपिंग ऐसी भी करनी थी कि जो आसपास जो जो ऐसी कच्ची बस्तियों में रहते हैं ना, उन बच्चों के लिए भी कुछ पिचकारी वगैरह लेनी थी, तो वो भी अच्छे प्राइस में मिल गई थी। तो ज़्यादा क्वांटिटी में ली थी वो छोटी छोटी पिचकारियाँ, और जैसे कि 24 मास्क ले लिए, 24 पिचकारी ले ली ऐसे करके, तो इलू की भी पिचकारी, फिर यहाँ से देखो इलू को स्माइली वाली पसंद आ रही थी तो वो इलू ने ले ली थी। तो बस घर चल के आपको पूरी शॉपिंग दिखाऊंगी। क्या बेटा ये क्या है, क्या भी वाली देखो जैसे ये कितने कितने हैं? ये 260 वाली है, 40-40 रुपए की। तो ये तीन अरे वो बड़ी वाली चाहिए कोई, कुछ ऐसे तीन बच्चे, तीन साल के बच्चे के लिए तो इजीली चल जाएगा। मित्रों लेना है क्या ये? बस वापस नीचे आ गई थी, ये देखने में बहुत अच्छी लगती है, जो छोटी छोटी शॉप्स और होती है ना, बहुत हर चीज़ मिलती है यार, बहुत चीज़ें मिलती है, देखो तो ऐसा लगता है सब कुछ ही खरीद लो। तो बस एक बार घूम ली थी मैं, और फिर नेहरू मार्केट, और से मैं जो स्कर्ट और सूट और लाती हूँ ना, तो नेहरू मार्केट है, तो शायद वहाँ से मैं लाती हूँ, तो वहाँ पर मैं नहीं गई क्योंकि अभी मेरा मन नहीं था इसलिए। तो फिर वहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे सूट वगैरह मिल जाते हैं, हर तरह के कपड़े मिल जाते हैं, शॉर्ट टॉप जो और कई मैं पहनती हूँ ना, तो वो वाले। तो बस फिर वापस घर की तरफ ही जा रहे थे क्योंकि काफ़ी थक गए थे, और आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है कि मई जून जितनी हो गई है मार्च में ही गर्मी, तो इसी वाली गर्मी आ चुकी। तो ये है अल्बर्ट हॉल, और बस यहाँ से निकल रहे थे। ये अल्बर्ट हॉल है,
डॉल के ठीक नज़दीक में ये जू है, जयपुर जू। इसमें खूब सारे अच्छे एनिमल्स हैं, वैसे कुछ शिफ्ट हो गए बायोलॉजिकल पार्क में। और इसके ठीक नज़दीक आप देखेंगे तो जयपुर चौपाटी आती है, फूड कोर्ट है, मसाला चौक। मसाला चौक का आप देख सकते हैं, ये पेड़ों के ठीक पीछे मसाला चौक दिख रहा है। इसमें जयपुर शहर के पूरी वैरायटीज़ के एक फूड प्लाजा है यहाँ पर, सारे यहाँ पर। तो ये आ गया हमारा प्यारा सोडाला। सोडाला में भी सारी होली की शॉप्स लगी हुई हैं। तो बस घर आने में 2:30-3 या 3 बज गई थी शायद। तो ये देखिए रिलायंस का सामान रखा है, ये सारा बिखर रहा है, ये थोड़ा सा सो गए, इलोस रूम में कुछ कचरा पट्टी कर रही है, काट पीट करती रहती है छुट्टियों में, तो वो कर रही थी। और बस ये मेरे छोले मैं गर्म करी, इनके लिए जीरा राइस कर दी थी क्योंकि इन्होंने बोला था राइस को जीरा में कर देना, तो क्योंकि इलू प्लेन खाती है तो फिर वो सारा मुझे निकालना पड़ता है दोनों के लिए, तो इनके लिए जीरा राइस, इलू के लिए प्लेन राइस कर दिया था। तो फिर खाना हमने खा लिया था, खाने के थोड़ी देर बाद हम खाएंगे श्रीखंड, क्योंकि श्रीखंड मिल गया था हमें रिलायंस में। तो बस अब ये खोलते हैं, एक बार मैं छोटा ही पैक लाई हूँ, फिर बड़ा वाला भी लाऊंगी। तो अगर ये वाला टेस्ट पसंद आ गया, वैसे मैं घर पे ही बना लेती हूँ, तो मैं सोच रही हूँ घर पे बनाऊंगी, लेकिन ये सब चीज़ें होली के बाद ही हो पाएंगी क्योंकि अभी इतना टाइम ही नहीं है, बहुत सारे काम बीच में आते रहते हैं। तो फिर वो इलायची वाला फ्लेवर ले लेंगे जरूर। तुझे नहीं पसंद आया? सही तो है, हर चीज़ में नहीं पता है, घर पे बना लेती हूँ श्रीखंड। मैंने कितने बनाए थे ना फ्रूट श्रीखंड, और याद है जब मैं न्यूज़पेपर औरों में रेसिपी देती थी, श्रीखंड बनाती थी ना इलू में, स्मूदी और खूब सारे फ्रूट्स डालती थी उस श्रीखंड में। इलू को पसंद आया था वो बहुत। 4:15 हो गई है, खाना वाना हो गया, अब श्रीखंड। इस श्रीखंड के लिए इतने भटके हैं, 5-6 दिन से भटक रहे हैं, इसको इच्छा हो रही थी श्रीखंड खाने की, इलू कभी तो श्रीखंड सब जगह ट्राई कर रहा था, रोज रुक रुक के, कहीं कभी डेयरी से, कभी कहीं दुकान से, लेकिन कहीं पर भी सप्लाई नहीं आ रही थी। अब जाके रिलायंस से मिलाई, थोड़ी देर रेस्ट किया मतलब, और इलू सोई, मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया। क्या हाँ ले ली, अब जा रहे हैं इनके शर्ट वगैरह देखने के लिए, इनको चाहिए ऑफिस के लिए प्लेन। क्या हाँ ले ली ना, तो बस अब 6:30-7 हो ही होंगी, पास में जो नेशनल हैंडलूम है ना वहाँ पे जा रहे हैं, फिर शॉपिंग आपको बाद में दिखाऊंगी। देखते थक गए आज मार्केट्स। तो बस नेशनल सुपरमार्केट जा रहे हैं, वहाँ से शर्ट वगैरह लेंगे, और एक दो चीज़ें और दिख जाती हैं तो वो ले लेते हैं, जैसे कि हमें राइस वगैरह नहीं मिले थे, इतने बार आजकल मिलते नहीं है इंडिया गेट के कहीं पे भी, तो ये यहाँ पे मिल गए थे, और ग्लूकॉन डी का भी बड़ा वाला डब्बा मिल गया था। फिर बस यहाँ से शर्ट वगैरह ले करके, इन्हों ने वी मार्ट नहीं देखा था, पिछले साल हमारे घर के पास ही वी मार्ट भी खुला था, तो हम लोग तो जाके आ गए थे लेकिन इलू नहीं गई थी, तो इलू ने बोला मुझे भी दिखाओ, तो मैंने कहा चलो आज मौका है, टाइम है, तो दिखा देते हैं, इसके पापा ने भी बोला दिखा देते हैं, अब दिखा देते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑफर चल रहे थे कि 2 खरीदो तो 1 फ्री मिल रहा था, सूट भी ऐसे मिल रहे थे, बट मैंने इस चक्कर में नहीं लिया क्योंकि इस चक्कर में हम अननेसेसरी कुछ भी बाय कर लेते हैं, लेकिन इन्होंने एक शैम्पू ज़रूर उठा लिया था। तो ये वी मार्ट में भी जाके आ गए थे हम, तो काफ़ी टाइम हो गया था यार, और फिर हम क्या आके मैं शिप्रा से बात करने लगे, एक घंटा के करीब उससे की होगी क्योंकि आज शाम मैंने उससे की नहीं थी, तो फिर हम क्या है कि पोहा की नमकीन और खूब सारा डब्बा पूरा ही खा गए हम लोग, तो फिर उतनी भूख नहीं थी तो इन्होंने बोला सिर्फ कोल्ड कॉफ़ी बना लो, इलू ने बोला कि मैं नूडल वगैरह खा लूँगी क्योंकि मैं इतनी थक गई थी कि मेरा बनाने का भी वो नहीं हो रहा था, तो फिर वो सब कुछ कर लिया, और ये सारी शॉपिंग इधर लाके रख रही हूँ ताकि कल मैं आपको दिखा पाऊँ। तो बस थकान बहुत हो गई है, फिर रात को सो गई थी, तो सुबह आप लोगों को मैं शॉपिंग जो है वो सारी दिखा दूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है रिलायंस फ्रेश वाली ग्रॉसरी, तो ये भी दिखा देती हूँ, आधी मैंने कहा था ना आई और आधी अब आएगी, तो वो दिखा देती हूँ। तो पोहा है मोटा वाला मैं लाई हूँ, इससे रोस्टेड नमकीन ही बनेगी, होली का शगुन का बनाऊंगी इस बार, और कुछ भी नहीं बनाऊंगी, वरना मैं कलरफुल और कई तरीके की चीज़ें बनाती हूँ बट इस बार नहीं।
ये है टॉप रेमन की करी, एक मैगी का पैकेट और आया है तो वो आया है, ये है टोस्ट रस्क है, ये पास्ता ख़त्म हो गया था तो वो आया है, चाउमीन रखी है, ये बिस्किट पार्ले जी वाले, और ये ओरियो के दो तो वैसे वाले, और एक चॉकलेट क्रीम वाले दो, तो और ये हैप्पी हैप्पी के लाई हूँ, ये सारे केक में ही मतलब बनेंगे। और ये देखो ये एक लेती है वैसे एलू, बट मैंने दो और ले ली, क्या पता मे बी होली पे शायद मेरी सिस्टर का लड़का आ जाए तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा सामान ले लिया है इन बच्चों के लिए। तो ये ग्लूकॉन डी मुझे रिलायंस में छोटा ही मिला था तो फिर मैंने ये ले लिया, बट जैसे ही फिर नेशनल सुपरमार्केट गए तो वहाँ पे हमको बड़ा वाला भी मिल गया, तो इन्होंने कहा एक बड़ा वाला और ले लो, तो बच्चों के लिए सही रहता है ग्लूकॉन डी, तो फिर मैंने दो, ये दो हो गए हैं, तो ये चलते रहेंगे तो कितना भी पियो बच्चे। और ये दो चोकोस के पैकेट हैं, और हींग मेरी ख़त्म हो गई थी, हींग आई नहीं थी तो हींग है, और भाजी मसाला लिया है क्योंकि अभी मेरे पास बनाने का टाइम नहीं, क्योंकि होली का भी कुछ शगुन का बनाना पड़ेगा। इनो ख़त्म हो गया था, इसमें छः आते हैं शायद पाउच, तो वो मुझे इडली में या मुझे ढोकला बनाने में चाहिए होते हैं। ये फेयर एंड लवली है, और ये है पाउडर एक लिया है, ये मानचाऊ सूप के इंस्टेंट वाले हैं तो तीन एक पैकेट ही है। टैंग लिया है क्योंकि ये छोटा मिला था ना रिलायंस में, तो हमने साथ में टैंग ले लिया, बट फिर शाम को बाद में गए तो फिर ये मिल गया हमें, तो ये दाना मेथी मेरी ख़त्म हो रही थी वो ले ली है। ये पतंजलि वाली नहाने की साबुन है, ये स्क्रब्स की है, ये बर्तन धोने की साबुन है, ये 24 रुपये की चार आती हैं शायद। ये किणी वाले चावल हैं जो मेरे को और इलू को भाते हैं, तो 2 किलो हम लेते हैं। और ये बासमती के तिबार मुझे नेशनल सुपरमार्केट में मिले थे, रिलायंस में नहीं मिलते हैं आजकल। ये है टोमेटो सॉस, ख़त्म हो गया था, अभी घर पे भी बना सकते हैं, किसी दिन घर पे बनाने की रेसिपी भी दूंगी, लेकिन अभी मेरे पास ज़रा भी टाइम नहीं है ये बनाने करने का। ये दो कोल्ड ड्रिंक बाय वन गेट वन में थी, पेप्सी है एक मिरिंडा है, दो इसलिए ली हैं क्योंकि अगर शायद अथक आया तो फिर बच्चे पीते रहेंगे, सब चीज़ें खाते पीते रहेंगे, बाकी आधा सामान आ ही गया था। अभी ये जो शर्ट वगैरह लाए हैं नेशनल सुपरमार्केट से वो और दिखा देती हूँ मैं, ये क्योंकि फ्रिज में रखी रह गई थी, तो ये पिज़्ज़ा की चीज़ है, एक आधा मेरे पास रखी है टिकिया इसकी चीज़ की, तो ये और लाई हूँ। बटर एक मेरा वो जो होता है ना डाइट वगैरह के लिए वो मेरा रखा था, तो ईलू के लिए ये वाला अमूल बटर 2 का, तो ऐसे करके ये सामान है। अब चलो शर्ट वगैरह ना वो दिखा देती हूँ। तो ईलू के कपड़े भी आ गए हैं, ईलू के होली के भी अधिकतर आ गए, बरगूले लाने और कलर ईलू को दिला दूँगी, और एक और मकसद के लिए कलर लाने तो वो अभी लाएंगे, बिल्कुल पास से ही लेने हैं वो। तो ये देखो ये तो छोटे मोटे मास्क हैं, और ये छोटी छोटी पिचकारियां हैं, तो ये सब चीज़ें ना इसलिए हम लोग लाए हैं कि जो हमने जहाँ पे इलू का बर्थडे मनाया था वहाँ पे खूब सारे बच्चे होते हैं, तो उनको होली पे वो खुश हो जाएंगे, ये सब चीज़ें उनको देंगे ना। कलर मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा गुलाल छोटे छोटे पैकेट बना देंगे, ये उनके लिए मास्क लाए हैं, ये उनके लिए पिचकारियाँ लाए हैं, तो ये उनमें बांट देंगे तो वो भी खुश हो जाएंगे। तो त्यौहार में ना ऐसे भी खुशी मिलती है, खुद के दिल को जिस चीज़ में संतुष्टि मिले तो वो करना चाहिए। तो अभी हम इस होली यहाँ पे ये चीज़ें बांटेंगे और कलर भी, और मैं भी कुछ खाने पीने की भी मैं उनको बांट के आऊँ, तो वो बहुत खुश होते हैं बच्चे वहाँ के, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, तो उनकी खुशी को देख कर ना मुझे खुशी मिलती है, मतलब हमको खुशी मिलती है और संतुष्टि मिलती है दिल पे कि हाँ ये है असली त्यौहार मनाना या ये है असली बर्थडे मनाना। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें भी करनी चाहिए, तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें इसमें क्या जाता है, छोटा छोटा पैसा जाता है इसलिए। तो ये लाई है, और ईलू भी अपनी पिचकारी वगैरह ले आई है, बलून्स भी लाई है पानी वाले, अब वो खेलेगी किसके साथ ये नहीं पता है, अथक आया तो खेल लेगी, अदरवाइज कुछ पता नहीं, इसके पापा की भी छुट्टी नहीं होती होली पे। तो ये देखिए ये वाटर बॉटल शैलो वाली, ये कलर इसका ना कहाँ से खुलेगी, कलर इसका ब्लैक है क्योंकि हमारा फ्रिज ना ग्रे कलर का है, फ्रिज ग्रे कलर का है, तो इन्होंने कहा यही लो, मुझे ऑलिव ग्रीन जो था ना वो कलर पसंद आया था, वो और बढ़िया में था तो मुझे पसंद वो आ रहा था, लेकिन इनको कलर इसमें सैलो वाली में ये ग्रे ये बोले के लो क्योंकि फ्रिज का कलर अपना यही है, तो फिर ये गर्मी में ये भी ज़रूरी है ना, तो ये लेके आए हैं। अभी बहुत कम शॉपिंग हुई है मेरी, तो हुई नहीं और इतनी ही करनी थी, ज़्यादा करनी भी नहीं है। देखो होली की शॉपिंग नहीं है क्योंकि ये ऑफिस जाते हैं तो इनको प्लेन शर्ट चाहिए होते हैं और रोज़ धुलते करते हैं ना, तो फिर वो भद्दे भी हो जाते हैं जल्दी, तो फिर इनको चाहिए थे शर्ट वर्ट, और गर्मी आ गई तो गर्मी के कपड़े, और इसलिए ये कोई होली की शॉपिंग नहीं है क्योंकि होली इस बार हमारी होली नहीं है इसलिए। तो ये इनकी जो स्लीपर है वो लेके आए हैं ये घर के लिए, एक ये
इनकी है, इलू की है, बस मैंने अभी कुछ भी नहीं किया शॉपिंग। मेरा देखो माइंड होता है तभी मैं कर पाती हूँ, वरना मैं अपने लिए शॉपिंग कर नहीं पाती हूँ। हाँ मैं कुछ ऑनलाइन मंगवा लूँगी, मेरा मन हुआ तो, और कुछ देख लेंगे। सिटी से जाऊँगी, सिटी कल गई थी लेकिन मेरा शॉपिंग का बिल्कुल भी, मेरे लिए शॉपिंग का मन नहीं था इसलिए मैंने नहीं की। अब वी मार्ट गए थे तो इनको ये दिख गया, तो ये जो 160 रुपए वाला शैम्पू था ना जॉय का, तो वो 99 में ही मिल रहा था, तो ये बोलने लगे नहीं लो नहीं लो नहीं लो, क्योंकि मेरे पास मामा और थोरों के सब कुछ रखे हैं शैम्पू, तो मैं लेना नहीं चाह रही थी। और ये क्लिनिक प्लस का एग प्रोटीन का लगाते तो वो भी रखा था, मतलब पाउच रखे थे क्योंकि ये पाउच से धोते हैं क्योंकि इनके बाल छोटे ना, तो ऐसे वो सब रखा था। बट इनको जब चीज़ दिख जाती है ना कोई, और तो फिर ये बोले कि नहीं ये भी लो क्योंकि ये बहुत सही प्राइस में मिल रहा है, 160 वाला 99 में मिल रहा है तो ले लो। तो ये जॉय का है हेयर फ्रूट लॉन्ग एंड सिल्की कंडीशनिंग शैम्पू है, एप्रिकोट एंड पीच का। ट्राई करके देखूँगी कि कैसा है। और ये शर्ट लाए हैं अपने, तो ये शर्ट लाए हैं, दो तीन लाए क्योंकि इनको हाफ बाजू के चाहिए थे और गर्मियाँ भी आ गई हैं, बट हाफ बाजू के कहीं भी में नहीं मिल रहे थे। सब लोग बोल रहे थे माल अटका हुआ है, दो तीन शॉप में पूछा बट दो तीन दिन लगने थे, तो फिर मैंने कहा एक बार फुल तो ले लो। तो ये देखो ये वाला कलर लिया है एक, और एक लिया है ये कलर होता है ना, ये कलर लिया है, और मुझे ब्राइट कलर ही पसंद आता, एक मुझे पर्पल पसंद आया तो मैंने पर्पल दिलवा दिया। ये देखो ये कलर, तो ये इनके शर्ट हैं, और बस इतनी ही शॉपिंग है। तो फिर मैंने चलो दिखा रही थी, और इलू की जो शॉपिंग है वो मुझे बहुत पसंद है, मैं अपनी पसंद से इलू के लिए लाती हूँ तो मुझे तो अच्छी लगी, तो इलू अपने वीडियो में दिखा देगी। तो दो घर की टी शर्ट लाई है, शॉर्ट्स उसके मिले नहीं डेनिम वाले, क्योंकि शॉर्ट पहनती है ना वो गर्मियों में, तो शॉर्ट्स नहीं मिले डेनिम वाले, घर का भी ज़्यादा नहीं मिला, तो एक ही फिर मुझे पसंद नहीं आया तो एक ही लाई। एक लॉन्ग वाली शिफॉन की वो वन पीस लाई है, दो टॉप लाई है, एक शिफॉन का एक कॉटन टाइप में है, दो जॉगर्स लाई है, तो वो सब वो अपने वीडियो में दिखा देगी, तो आप वहाँ पे देख लेना। इलूज प्लैनेट, इलू के चैनल का नाम है इलूज प्लैनेट, और मैं फिर शेयर कर दूंगी कम्युनिटी में। तो चलिए आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग के साथ। बाय बाय।